ऑल राइट, तो आई गेस स्वागत है तुम्हारा एक और एनिमेशन रिएक्शन वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तुमने जो पिछली दो एनिमेशन वाली वीडियोस पे सपोर्ट दिखाया है ना, मजा आ गया। एंड ऑब्वियसली ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे नॉट योर टाइप भाई, उन्हीं की वजह से हम रिएक्शन दे पाते हैं। एंड पता नहीं तुम्हें मेरे रिएक्शन में क्या पसंद आ जाता है भाई, मैं जिंक्स ना कर दूं। हेलो, ये क्या था? ओए मकड़ी भाई, ये क्या हो गया वीडियो की स्टार्टिंग में? अच्छा चलो, एक कांटे की तो बट मैं स्टार्ट कर देता हूं। अरे यार चली जा, रुको यार इसे हटाने दो। ए निकल, अरे जा यार। गुड 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 गुड, यस गुड, जाओ जाओ जाओ, मेरे को अभी स्पाइडरमैन नहीं बनना। थैंक यू सो मच, यस आ जाओ। तो आज हम देखेंगे एवरी इंडियन स्कूल। एंड मैंने ये वाला टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि मैं अभी ना रिसेंटली, कल की बात है, रिसेंटली क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं कल ही ना यूट्यूब ऐसे देख रहा था एंड मेरे को ना मेरे पुराने स्कूल की एक दो वीडियोस ऐसे रिकमेंड हो गई थी, तो थोड़ी यादें सी ताजा हो गई। क्या मतलब, मैं रोने भी लगा था इतना सब कुछ नहीं बताना होता है। तो यस, हम ये वाली वीडियो देखेंगे। एंड लेट्स गो माय फ्रेंड। तो फर्स्ट से लेकर नाइन्थ क्लास तक मेरी लाइफ बहुत अलग थी। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, डेफिनेटली कोई मुंह नहीं लगाता था। अरे भाई, डस्टबिन से इतना प्यार किसको होता है? मैं दोबारा देखूंगा, ठीक है मैं दोबारा देखूंगा। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑप्स फ्रेंड्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना है। तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो बारहवीं की नेम चिट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल। व्हाट सर, एक सेकंड याद करने दो। मैंने गाल वाल पे लगा दिए थे स्टिकर, ऐसे मैं ऐसे ऐसे करता था, मजा आता था ऐसे। ठीक है आगे। ओ यार तुमने वो किया है क्या? वो तुम फेविकॉल पूरे हाथ पे लगा देते थे और सूखने के बाद ऐसे ऐसे निकालते थे, फिर दोस्तों को दिखा देते, मेरी चमड़ी निकल रही है। ओके आगे देखता हूं, मैं पागल हो गया लग रहा है। चैनल भी था, अजीब सी वाइंस बनाता था मैं उस पे। मुन्नू तू एक घोड़ा है, नुन्नू जो बोलता है वही होता है। रिलेटेबल। हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइंस। मैं कहीं पर भी वाइंस बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी दो सुनो देनो, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है मैं क्यों हंस रहा हूँ इस वाले पार्ट पे। एंड मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ भाई, मेरे को नहीं बताना, मैं चुप रहूंगा। जरा कमेंट करके बताना मुझे तुम में से किन किन को समझ में आ गया मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ इस वाले पार्ट में। मुझे जानना है किन किन को पता है। वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है भाई, फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास देखो, मेरे लिए रिलेटेबल नहीं है। एंड आई थिंक तो मेरे जैसे बहुत सारे दसवीं के लिए नहीं रिलेटेबल होगा, बिकॉज भाई हमारे टाइम पे था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका क्योंकि यूट्यूब को पसंद नहीं है उसका नाम, बट तुम्हें पता लग गया क्या था। तो यस भाई, पेंडेमिक हो रखा था, पूरे सोशल लाइफ की, स्कूल लाइफ की, सबकी ऐसी की तैसी हो रखी थी। इसके टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हो, किधर रखा है उसे? किधर रखा है उसे? और भाग गया बच्चे की कपड़ा। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। अच्छा अजीब से, पर 10th का बच्चा आजकल नहीं करता है। साइंटिस्ट साइंटिस्ट यार साइंटिस्ट, पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं। पुकी पुकी पुची पुची पुई। हाँ मुझे पता है, मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंख। रुको यार, ओके एक चीज याद आई थी, मैं बोल देता हूँ वरना मैं भूल जाता हूँ। तुम वो करते थे क्या, तुम ऐसे वो स्केल पे वो जो प्लास्टिक का आता था नटराज का, उस पे अनियन पील ऐसे घेर के और फिर ऐसे 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 करते थे और फिर मकड़ी के जाले जैसा कुछ बन जाता था ना? पता नहीं तुम करते थे यानी मैं ही, अलग वैरायटी का था, पता नहीं करते होगे, प्लीज बोल दो करते थे प्लीज। मैं आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना होगी भाई की फ्री में। चमन प्राश और अच्छा लग रहा। चमन प्राश, ओए उजड़ा चमन बोलते उसे, भिक्षु ने नया नाम दे दे चमन प्राश। चुप, अब तो और अच्छा लग रहा हूँ। हैं ए हगी मारू, अबे सच्ची हगी मारू, लकी मैन, ओए ककासी सेंसेई, पढ़ ले चुपचाप। लकी मैन कैसे आता है ऐसे? कुछ तो याद आ गया मेरे को, मेरा तो हो ही नहीं रहा।
पढ़ाई, पैशन और ड्रीम्स और पेरेंट्स, सॉरी। तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। अच्छा? ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचा है। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दबाकर आगे बढ़ना पड़ता है। सही बात है। और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। भाई रुको, अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था फुटबॉल में, वो बात अलग है। मेरा हाथ टूट गया, उस रीजन से भी मेरे को रोकना पड़ा। बट यार, इस घर वालों को तो एक बहाना मिलना चाहिए था ना। हाथ ठीक होने के बाद भी नहीं खेलने दिया मेरे को। नहीं खेलना है, उन्हें पता था मैं पागल हो जाऊंगा खेल खेल के, फिर मैं उसी चीज में कुछ ना कुछ करने के लिए बोलूंगा। फिर आज तुम्हारा भिक्षु बास्केटबॉलर होता शायद, पता नहीं कहाँ होता है यार। इंडिया में फुटबॉल तो ढंग से देखता नहीं है कोई। अग्नि ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अज्जू नेता तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी। भाई मेरे को ये जो छपरी वर्ड है ना, मेरे को बिल्कुल आज तक नहीं समझ में आया क्या होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तुम अच्छे दिख रहे हो छपरी, तुम गंदे दिख रहे हो छपरी। करे तो करे क्या, प्लीज मेरे को जरा डिफाइन करना छपरी। डिफाइन छपरी, 2 मार्क्स का। चलो क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, चलो टीचर भिक्षु, यस लेट्स गो। देखो अब इसमें तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है। ये क्या कर रहे हैं, किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो मम्मी मुझे एनिमेटर यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोसाइमस दादे भाई। अरिगातो गोसाइमस नानी। ये सच में रिलेटेबल है। देखो मैंने तो काफी छोटी उम्र में स्टार्ट किया था, तो मेरे को ऐसा लगता है ना मैं बोलता भी होंगे ना मम्मा के पास जाके कि मम्मा मैं ना यूट्यूबर बनूंगा, यूट्यूब करूंगा। पता नहीं मैंने कभी बोला होगा या नहीं बोला होगा, मैं भूल चुका हूँ। अगर मैंने बोला भी होगा ना, मम्मा उसे बचपने में ले जाते होंगे कि हाँ बेटा चल 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 बन जाइए, ठीक है पहले पढ़ाई कर। पक्का ऐसे होता होगा, मुझे पता है, क्योंकि जो चीज तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन में किसी ने नहीं की है, पूरे खानदान में, अगर तुम वो करने जाओगे तो भाई इतना आसान नहीं होने वाला है। माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पता है, क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। Exactly. और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? सितार। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मेक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te llamas, amigo? Eres te porte, mamma mia. El Chapo. El Chopa. मैं पागल हो गया हूँ, सॉरी गाइस, कुछ भी नाम दे जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ आगे। क्या हो गया मुझे आज, मकड़ी ने तो नहीं काट लिया मेरे को। पापा को अपने सपने बता रहे हो, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जांपल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बंबई गया ब्रो। कहाँ? सपनों के शहर बंबई। देयर इज नो वे इसकी लाइफ में सारी चीजें, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बंबई आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है। और मैं देखो यार, मेरी तरफ से ना है जय माता दी, लेट्स रॉक, चिक चिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बाहर। ये सब फेक होता है, मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। चिक 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 बूम फायर। कितना बड़ा स्टेज है, एक साइकिल रख दो बाहर जाने के लिए, गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा है, देखी हुई है मैंने। भाई अब हाथ तक छोड़ दो। पट 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 कुत्ते हैं सबके सब, कुत्ते 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 भाव भाव। तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट जय माता जी, लेट्स रॉक। मेरी तरफ से ना है। रुक के जाओ, फट गया वो तो। उज्जवल भाई जैसी वाइब दे रहा था थोड़ी बहुत। चैप्टर 2 मेरी कहानी। ओके लेट्स गो, लेट्स गो। मैं अपने बारे में बताता हूं, तो नॉट योर टाइप जी। जी। आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था। जी। बचपन से ही कुछ क्रिएटिव करना था आपको। जी। तो ये 10वीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं नहीं जी, मम्मी पापा तो सही है, मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है।
तेल छोड़ दिया चार ने तो जी मैंने बस बायोलॉजी तेल छोड़ दिया चार ने ब्रो दैट वाज रिलेटेबल। भाई मैं सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुमने जितने वीडियोस देखी होगी ना आधे ज्यादा चीजें मैं रिलेट कर पाता हूँ इससे, पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में हो रखी है, ऐसे लग रहा है भाई मेरी बायोग्राफी लिख के बैठा है। भाई कुछ तो गड़बड़ है, इससे बात करनी पड़ेगी, जरा रुको इसे कोने में लेता हूँ मैं, आई मीन बात करने के लिए। ले ली थी, मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है, ग्यारहवीं और बारहवीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का दो साल कहाँ निकल गए। जी जी जी। और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई तो YouTube करने का टाइम ही नहीं मिला। जी 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 जी। चाय पियेंगे? आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए उसमें मुझे क्या मिल रहा है मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। ये मेरी रियल कहानी है, मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था पर पढ़ाई के प्रेशर में दो साल कहाँ निकल गए मुझे। डोंट टेल मी तूने बायो ली थी। भाई एक तो 10th 11th आधी 12th पता नहीं कैसे चलेगी, समझ में ही नहीं आ रही है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में, रुको सोचूंगा मैं, पहले वीडियो देख लूं। अरे कौन पान मार रहा है छत पे, पता नहीं तुम्हें आवाज आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, पता भी नहीं चला। हाँ मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन मैं हूँ दुनिया का रखवाला, आर्ट्स अरे बच्चा फ्राई कर दिया। पर मेरी स्कूल में मैथ्स बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, और देखो मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई। आई एम सॉरी मैं बहुत पॉज कर रहूंगा, पॉज मैं सब भूल रहा हूँ, बट हाँ तुम्हें मैंने एक चीज बताता हूँ, मैं किसी चीज को डिग्रेड नहीं कर रहा है यहाँ पे किसी सर को भी, बट मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, एक ना सर थे हमारे बहुत उच्च लेवल के, मतलब एकदम रिस्पेक्टेड, मैं नहीं बोलूंगा कहाँ के सर थे, उन्होंने पता क्या बोला था, बेटा मेडिकल नॉन मेडिकल और कॉमर्स के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है, ये क्या आर्ट्स, ये कोई कौन लेता है, ये जो फेल होते हैं वो ले, मतलब उन्होंने आर्ट्स को बेदखल कर दिया। अबे लोग आर्ट्स लेके यूपीएस आईपीएस बनते हैं, यूपीएससी ठीक है यार भाई मैं वीडियो देख रहा हूँ, यूपीएससी बन जाते हैं फिर कंप्यूटर चलाते हैं। बट यार मुझे उस टाइम भी नहीं समझ में आया था, मुझे आज तक नहीं समझ में आया सर ने ऐसा क्यों बोला, बच्चों को सर क्या इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, मतलब यार देखो पेरेंट्स और टीचर से ही सीखता है स्टूडेंट, आई मीन बच्चा पहली बारी, एंड अगर वही उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वही, अब बच्चे के ऊपर है ना उसे जो लेना लेगा, आप एक्सप्लेन कर दो कि इसके अंदर ये सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर ये करियर ऑप्शन होते हैं, बस अब आगे बच्चे की मर्जी, ऐसे बोल देना कि आर्ट्स कुछ होता ही नहीं हो तो बड़ी बेकार चीज हुई ना यार। मैं इतना मैच्योर कब हुआ, कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, और देखो मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई सीरियस नहीं लेता था। अंदर आग लगी है, आग अंदर। ओह नो। अच्छा तो ये लो पानी। अरे अरे क्या कर रहे हो, सच बोल रहा हूँ बंटी और रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल पात के मचाते धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपुन को हिचकी आया रे, लगता है अपुन को भी कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि ने चुगली लगाई होगी। हाँ यही थे मेरे कॉमर्स वाले, वैसे ये मोटा पास की आग फैलाने वाला था, यही था इसके धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत की सभी स्कूलों में बैन होंगे। स्कूल में बैन हो गए दिल में अभी ये दोनों। वैसे बंटी कमाल बात के मचा दे धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपुन को हिचकी आया रे, लगता है कोई याद कर रहे ला। होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है और मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है ये जेई जैसी एग्जाम होती है फॉर मेडिकल, और जिनको जेई के बारे में नहीं पता ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। This was the most random thing. मुझे लगा बोलेगा मेरा नाम पपलू है और मैंने जेई और नीट दोनों दी थी और अब मैं नाव चला रहा हूँ। नीट के एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। रुक जाओ ब्रो मैं कुछ बोलने वाला था, रुक जाओ पवन। हाँ भाई पता है ये होता है बहुत बच्चों के साथ होता है, उन्हें बाद में रियलाइज होता है ओह डैम इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे मेरे साथ हुआ था। 3 महीने बाद मेरी आंखें खुल रही है, इंटरेस्ट वैसे कॉमर्स में भी नहीं था सच बताऊं तो, बस वो लेके मेरे को यूट्यूब करने का भी टाइम मिल जाता था इसलिए मैंने ले रखी थी। बैड इन्फ्लुएंस प्लीज पढ़ाई को पहली प्रायोरिटी रखना ठीक है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पहले 12th कर लो बाद में देख लेना ऊपर की चीजें, वो बात अलग है 12th के बाद टाइम नहीं मिलता किसी को। यार दुनिया का बड़ा गंदा सिमुलेशन है बेटा, 8th के बाद बस 9th 10th है उसके बाद तो मौज है, 10th के बाद 11th आ जाती है 12th आ जाती है फिर तो मौज है, 12th के बाद कॉलेज फिर तो मौज है, कॉलेज के बाद हाँ पता है हमें क्या मौज होती है सब पता है हमें, चुप रहो। तू कौन है साले बेताल, भग जाने तो चटका लगा दूंगा। नहीं मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था, लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन
थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया, फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। पर सच कहूं तो वीडियोस बनाने का पैशन इतना था मुझमें, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं, लेकिन थोड़े अलग प्रकार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री डॉक्टर आयु, MBBS, MD, MS, BSc, PhD, नेमार, मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, MCBC और मादर। सबसे पहले हमारी डॉक्टर मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं। पैरालाइज्ड नानी, हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू, और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी माँ मर गई तेरी वजह से, हराम कौर, थैंक यू फॉर 5 रुपए सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर लाइव स्ट्रीम पे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये कैसे हंस रहा है? स्विच ऑफ करो, इसका स्विच ऑफ करो। वो सच्ची में स्विच ऑफ करने जा रहा है। ओह माय गॉड भाई, आज की वीडियो बड़ी मस्त है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी। सच्ची में मार दिया। ठीक है, कंक्लूजन हो के लड़को। ओके, तो इस वीडियो से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो भी कर रहे थे उसे छोड़कर तुम अपने मन का करने लग जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी काम में अच्छे हो या किसी हॉबी में, तो उसे कभी छोड़ो मत। हाँ। फ्यूचर में वही तुम्हारा करियर बन जाए। एंड मम्मी पापा को समझाना मुश्किल है पता है मुझे, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आज कल तो मान ही जाएंगे। एंड इफ तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक करो, ठीक है? मुझे नहीं पता इस वीडियो में मुझे 400,000 लाइक चाहिए। मुझे भी प्लीज 4। ठीक है यार, लाइक कर देना। बट यार काफ़ी सही बोला इसने एंड में, या हॉबीज मत छोड़ना कभी भी। एंड ऑब्वियसली यार, अगर तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो तो बड़े डिसीजंस लेना मम्मा पापा के ऊपर ही छोड़ दो। अंटिल अनलेस तुम्हें समझ आ गई है कि तुम्हें खुद के डिसीजंस कैसे लेने हैं, ठीक है? मेरे को ड्राइंग की हॉबी एंड गाने वगैरह की हॉबी थी, मैंने यूट्यूब के साथ साथ भी उसे रखा। एंड मैं अपनी हॉबीज़ को एज अ एस्केप लेके चलता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करती हैं। तो यस, इट्स अ लाइफ टिप, यूज़ कर लेना, फ्री की टिप है। या आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज मुझे मजा आ गया कसम से। एंड तुम भी कमेंट करके बताना क्या तुम्हें मजा आया या नहीं, है ना? एंड मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। हा हा या अब बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर। चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।